इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में दो कैटेगरीज ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। ये दो कैटेगरी हैं, फर्स्ट है स्मॉल कैप और सेकंड है मिड कैप। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 26 मिड कैप फंड में से कुछ टॉप मिड कैप फंड सेलेक्ट करेंगे और फिर उन टॉप मिड कैप फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। इस डिटेल रिव्यू में हम चेक करेंगे इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में टोटल 26 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना वन ईयर कंप्लीट कर लिया है। आउट ऑफ दीज 26 फंड्स, सबसे पहले हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिन्होंने अभी तक अपना 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही वैसे फंड्स जिनका AUM 500 करोड़ से कम है। यहां पर आप ऑल 26 मिड कैप फंड्स का AUM और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 year, 3 year, 5 year and 10 year होराइजन With respect to its benchmark। यहाँ पर हम जिन funds को अपने final list से remove करेंगे उन सारे funds को मैंने red color से highlight किया है। हम high expense ratio देकर जब भी किसी भी actively managed equity fund में अपना investment करते हैं तो हमारा expectation ये होता है कि वो फंड कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को जरूर बीट करे, क्योंकि अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। आउट ऑफ दीज 21 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर मैंने उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है। अब हमारे पास मिड कैप कैटेगरी के टोटल 13 फंड्स हैं। इस लिस्ट में जो भी फंड्स हैं उन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, इसलिए परफॉर्मेंस वाइज इसमें से कुछ फंड्स या तो एवरेज परफॉर्मर्स हैं या फिर गुड परफॉर्मर्स हैं। अगर हमारे पोर्टफोलियो में इस तरह के एवरेज या फिर गुड परफॉर्मिंग फंड्स हैं तो हम इन फंड्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें मिड कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आउट ऑफ दीज 13 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को 2% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने फाइनल लिस्ट से एक्सिस मिड कैप और मिरे एसेट मिड कैप को भी रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि करंट परफॉर्मेंस वाइज दूसरे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस इन फंड से अच्छा है। अब हमें हमारा मिड कैप कैटेगरी का टॉप 6 फंड मिल गया है। ये फंड्स हैं एडलवाइस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, क्वांट मिड कैप फंड एंड SBI मैग्नम मिड कैप फंड। यहां पर अगर आप इन 6 फंड्स का परफॉर्मेंस देखें विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क तो सिर्फ क्वांट मिड कैप फंड 10 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये सारे फंड्स रेस्ट ऑल होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। यहां पर मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और क्वांट मिड कैप फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न को हाईलाइट किया है, क्योंकि इनका रिटर्न्स काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फंड्स। जब भी कोई पर्टिकुलर फंड किसी पर्टिकुलर ईयर में इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दे एज कंपेयर टू अदर फंड्स तो उस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें जरूर ये पता लगाना चाहिए कि ये फंड इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट कर पा रहा है। यहाँ पर आप इन ऑल 6 फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो अक्रॉस 3 year and 5 year इन ऑल 6 फंड्स का जो शार्प रेशियो एंड अल्फा काफ़ी अच्छा है, एंड आउट ऑफ दीज 6 फंड्स PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली बेटर है। अभी तक हमने इन फंड्स का करंट डेट पे परफॉर्मेंस चेक किया है, नाउ हम इन फंड्स का टू पास्ट डेट्स पे भी परफॉर्मेंस चेक करेंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि पास्ट में भी इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा था या नहीं। यहां पर आप इन ऑल 6 फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 April 2020 ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय क्वांट मिड कैप फंड और SBI मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क से तो कम गिरे थे, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर फंड्स ज्यादा गिरे थे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी उस समय लास्ट 1 year और लास्ट 3 years में थोड़ा ज्यादा गिरा था। यहां पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2019
ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट में मेजर गिरावट आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। हमारे टॉप थ्री मिड कैप फंड्स होंगे एडलवाइस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इन सारे फंड्स ने सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का बेंचमार्क एयूएम, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का एयूएम काफ़ी बड़ा हो गया है एट अबाउट 22,700 करोड़। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 0.38%। इन ऑल थ्री फंड्स के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये अबाउट 28-29 है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का एनुअल टर्नओवर काफी कम है 4%, जबकि पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एनुअल टर्नओवर काफी ज्यादा है 138%। ये ऑल थ्री फंड्स मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। दैट्स वाई इनका जो मिड कैप का एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है। एडलवाइस मिड कैप फंड ने स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 20%। और एडलवाइस मिड कैप फंड का अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का टोटल एक्सपोजर देखें तो वो है अबाउट 89%, जबकि पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 85%। और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड का मिड कैप और स्मॉल कैप में जो टोटल एक्सपोजर है वो रिलेटिवली कम है एट 79%। सेक्टर एलोकेशन वाइज इन ऑल थ्री फंड्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन ऑल थ्री फंड्स ने फाइनेंशियल कैपिटल गुड्स में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है। साथ ही इन फंड्स ने केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, मटेरियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। इन फंड्स ने इन टॉप फाइव सेक्टर्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 62-63% इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर अगर आप इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है इन फंड्स के बीच में वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट यही चीज़ हमें देखने को मिलता है स्मॉल कैप के फंड्स में भी। दैट्स वाई जब भी आप मिड कैप या स्मॉल कैप के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आप चाहें तो किसी भी कैटेगरी में इवन टू फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ओवरलैप काफी कम होता है। इन स्टॉक पोर्टफोलियोज में जो ज्यादातर स्टॉक्स हैं उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है। दैट्स वाई जब हमने इन फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक किया था तो हमने देखा था कि ऑलमोस्ट सारे फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन सारे फंड्स ने भी पीएसयू स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप 15 स्टॉक्स को ही मेंशन किया है, उसके नीचे भी अगर आप जाएंगे तो इन फंड्स ने कुछ और पीएसयू स्टॉक्स में भी अपना एक्सपोजर लिया है। लाइक एडलवाइस मिड कैप फंड ने इंडियन बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और पीजीएम इंडिया मिड कैप ने केनरा बैंक में अपना एक्सपोजर लिया है। अभी हमने मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का जो डिटेल्स चेक किया है उससे हमें क्या पता चलता है, तो यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि मिड कैप कैटेगरी में वो 7-8-9 फंड्स हैं जो कि अच्छे फंड्स हैं, और अगर किसी पोर्टफोलियो में ये फंड्स हैं तो उन फंड्स के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाए तो सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी भी फंड को सेलेक्ट नहीं करें। आपको ये देखना है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक आपको किस तरह का मार्केट कैप एलोकेशन चाहिए, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ओवरऑल किस तरह का एलोकेशन आपको रखना है। साथ ही सेक्टर एलोकेशन में आप ये भी देखिए कि ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो। सिमिलरली स्टॉक पोर्टफोलियो में आप देखें कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो। फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त आप उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझने के लिए उनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो और एनुअल टर्नओवर भी चेक करें, क्योंकि ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें वैसे फंड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा हो, उन्हें लगता है कि फंड मैनेजर एक्टिवली अपने फंड को मैनेज कर रहा है जो कि फंड के परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। लेकिन साथ ही कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कम एनुअल टर्नओवर वाले फंड्स ज़्यादा पसंद हैं, उन्हें लगता है कि अगर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं उसके बेसिस पे खुद के लिए एक सुटेबल फंड सेलेक्ट करें। That's it in this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।